दोस्तों, आज के टाइम में इस डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि साइंस ने हमें एक से बढ़कर एक यूनिक गैजेट्स दिए हैं, जिनसे हर काम आसान हो गया है। जो काम हमें करने में कई कई घंटे लग जाते थे, वो काम अब मिनटों में हो जाते हैं। और इसी बीच 21वीं सदी में साइंस ने हमें एक ऐसा यूनिक गैजेट दिया है जिससे हमारे बहुत से काम आसान हो गए हैं, और वो यूनिक गैजेट है मोबाइल। एक टाइम था जब किसी को कहीं कोई मैसेज पहुँचाना होता था तो पोस्ट ऑफिस की हेल्प ली जाती थी, और पोस्टमैन हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, जिसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। लेकिन इस बीच जब मोबाइल फोन आया तो इसने बहुत से काम आसान कर दिए। मोबाइल फोन की हेल्प से अब हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर होते हुए भी एक तरह से उनके पास हैं, उनसे बात 1 मिनट में कर सकते हैं। मोबाइल की हेल्प से अब ना सिर्फ हम बातचीत करते हैं, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल आदि से अपने दोस्तों और ऑफिस से भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल फोन के बिना आज के टाइम में रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल ने हमारे बहुत से काम आसान कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है पहला मोबाइल फोन कब और कहां बनाया गया था, और इसे बनाने वाला कौन इंसान था? अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पहला मोबाइल फोन कब और किसने बनाया था। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन के इन्वेंशन से पहले रेडियो फोन और वायरलेस फोन होते थे, लेकिन इसका अधिकतर इस्तेमाल आर्मी में किया जाता था। लेकिन इसके बाद मोबाइल का इन्वेंशन किया गया, जो एक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था, जिसका नाम मार्टिन कूपर है। मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने सबसे पहला मोबाइल प्रदर्शित किया, जो कि आम लोगों के लिए बनाया गया था। इस मोबाइल फोन को बनाने के बाद मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में स्थित अपने ऑफिस से न्यू जर्सी में स्थित बेल लैब्स के हेडक्वार्टर में पहली कॉल की थी। मार्टिन कूपर ने आज के टाइम की सबसे फेमस मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर इस मोबाइल फोन को बनाया था, और इसके बाद मार्टिन कूपर को मोटोरोला कंपनी का CEO भी बना दिया गया था। आज के टाइम में स्मार्टफोन बड़े हल्के और स्लिम होते हैं, लेकिन मार्टिन कूपर ने जब दुनिया के सबसे पहले मोबाइल को बनाया था तो इसका वेट 1.1 किलोग्राम था। ये फोन 13 सेंटीमीटर लंबा और 4.4 सेंटीमीटर चौड़ा था। जहां आज के टाइम में किसी भी मोबाइल फोन को फुल चार्ज करने में 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और इनका बैटरी बैकअप भी 1 से 2 दिन का होता है, वहीं दुनिया के इस पहले मोबाइल फोन को पूरी तरह से चार्ज होने में 10 घंटे का टाइम लगता था, और उसके बाद भी ये फोन सिर्फ 20 मिनट तक ही चल पाता था। इस मोबाइल की बैटरी का वजन भी आज के टाइम के मोबाइल की बैटरी से 4 से 5 गुना ज्यादा हुआ करता था। साल 1983 में मोटोरोला कंपनी ने जब इस फोन को मार्केट में लॉन्च किया तो इस फोन की कीमत $3,900 थी, इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 2 लाख रुपए थी, और इस हैंडसेट का नाम डायनाटेक 8000X था। दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल सेलुलर फोन सर्विस साल 1979 में NTT नाम की एक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी, और इसी साल फर्स्ट जनरेशन 1G नेटवर्क की शुरुआत जापान में हुई थी, जिसकी हेल्प से कई लोग आपस में बात कर सकते थे। और इसके बाद साल 1991 में 2G नेटवर्क की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। 2G नेटवर्क आने के बाद इस नेटवर्क से टेक्स्ट मैसेज भेजने की शुरुआत हुई। इस 2G नेटवर्क में साउंड क्वालिटी 1G नेटवर्क से काफी अच्छी थी। इस 2G नेटवर्क के आने के बाद मोबाइल में GPRS और MMS जैसी फैसिलिटी दी गई थी। इंडिया में पहली बार 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में मोबाइल सर्विस शुरू की गई। 2G नेटवर्क सर्विस आने के पूरे 10 साल बाद साल 2001 में 3G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी, जिसे जापान की कंपनी NTT डोकोमो ने शुरू किया था। 3G नेटवर्क सर्विस आने के बाद नेट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इस नेटवर्क के आने के बाद ही वीडियो कॉलिंग की शुरुआत हुई थी। साल 2013 में मार्टिन कूपर को दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन बनाने के लिए मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 14 दिसंबर 2009 को तेलिया सोनेरा कंपनी ने 4G नेटवर्क की शुरुआत स्वीडन और नॉर्वे में शुरू की थी। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि दुनिया का पहला फोन कब और किसने बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।